आज भी मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चंस आज के थोड़े इजी हैं लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं पहला सारण, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया लेसन आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, रीट और राजस्थान जीके का दोनों का लाइव टेस्ट होता है, करंट अफेयर भी हम कवर करते हैं। इसके अलावा अनकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में जानते हो आप सभी लोग, रोजाना मैं बताता हूँ, डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहाँ पर सर्च कर सकते हो पहला सारण। सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि एक जगह को 18,000 बनाने क्वेश्चन और राजस्थान जीके के 5,000 क्वेश्चन और पटवारी की 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगी एक जगह। ओके गाइस, एक बार बता दीजिए अगर आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है तो हम शुरू कर सकते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सुभाष अरविंद जी, सुमन, मोनिका यादव, देवलाल जी, पहलवान जी, अब बताइए सर क्या पूछ रहे थे। एक्चुअली उस टाइम मैं आपके मैसेज देख रहा था लेकिन मैं यहाँ सेटअप कर रहा था लाइव जाने के लिए तो जवाब दे नहीं पाया था। धर्मपाल कैसे हो सर? ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और जितना भी आपका स्कोर बनता है वो लास्ट में आप बता सकते हैं। चलिए, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और पहला है कि प्रारंभिक समय में उमेदपुर की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा था? उमेदपुर की छावनी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध था? पहले का राइट आंसर जी सर, झालावाड़। राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा उमेदपुर की छावनी से। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, कि अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? अलवर के आसपास का जो एरिया है वो तो प्राचीन टाइम में किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर राम भगत भगवारी, परिलाल जी, ग्रीष्मा, हेमंत, तनु, डिंपल। ओके जी सर, सालव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका दो नंबर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर तीन, तीन आपका है कि कुंभथाना का किला है वो किस प्रसिद्ध दुर्ग का प्राचीन नाम है? कुंभथाना का किला किस दुर्ग को कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर माही जी सर, शिवाना के दुर्ग को कहा जाता था। और कमेंट करके बता दीजिए कि शिवाना का दुर्ग है वो कौन से जिले में है। जी राइट आंसर चार नंबर हो जाएगा, कुंभथाना का किला शिवाना के दुर्ग को कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर चार, कि कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका प्रकाशन है वो लंदन में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया कि इस पुस्तक की रचना किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? लंदन से हुआ था। किस वर्ष हुआ था ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर, और 1829 में हुआ था। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड जो है इन्हें हम घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान का इतिहास है वो सुव्यवस्थित तरीके से लिखा था, तो इन्हें राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने इतिहास नहीं लिखा था, लेकिन पूरे राजस्थान का एक साथ इतिहास नहीं लिखा था किसी ने इनसे पहले, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पांच, कि राजस्थान का अंतिम बार पुनर्गठन कब हुआ था? अंतिम बार पुनर्गठन का मतलब जो सातवां चरण था राजस्थान के, एकीकरण सात चरणों में हुआ था, तो सातवां चरण कब हुआ था लास्ट बार? पांच का राइट आंसर जी बिल्कुल है, जैसे एक नंबर 1956 को कब हुआ, इसकी टाइमिंग का एक क्वेश्चन आया था एक बार, कितने बजे हुआ था? 9:40 पे। यहां पर एक क्वेश्चन का आप कॉमेंट करके आंसर बताइए, जब एक नंबर 1956 को जैकीकरण हुआ था तो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया था, राजस्थान का एक क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, दोनों क्षेत्रों के नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। एक एरिया मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, मध्य प्रदेश का एक नंबर को राजस्थान में मिलाया गया था, दोनों के नाम। क्वेश्चन नंबर छह, कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? स्वतंत्रता के टाइम पे कौन कौन सी रियासत नहीं थी? क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर जी स्वयंमाधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, भीलवाड़ा, सभी नहीं थी, तो राइट आंसर आपका चार नंबर हो जाएगा। आबू जी बिल्कुल, सुनील तापा जी बिल्कुल सही है, सबका कमेंट सही है, सिरोही क्षेत्र जी। ओके वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सात, कि निम्न दो कथनों पर ध्यान देना है आपको, नीचे देगी विकल्प का सही आंसर देना है। पहले मैं आपको दो कथन दिखा देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो ये दो कथन। पहला हमारा है कि रावली पर्वतमाला राजस्थान को दो
असमान जलवायु वाले भागों में बांटती है, विभाजित करती है। दूसरा है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र जो है वो वागर कहलाता है। आपको बताना है कि दोनों कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन पहला भी सही है, किरौली वर्तमान है राजस्थान को दो जलवायु भागों में बांटती है 50 सेमी, और ये दो नंबर सही है। एक और दो दोनों सही है, राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान में प्रतिहार वंश का शासन कहां रहा था। प्रतिहार वंश, एक क्वेश्चन तो इनका ये आता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो प्रतिहार वंश है, ठीक है। और ये राजस्थान में कहां कहां इन्होंने शासन किया था। सतपाल, क्यों नहीं सर, सो हो जाएंगे सर, आपने कभी गड़बड़ की होगी, कुछ उल्टा लिखा होगा। जिन जिन लोगों के मैसेज लिखने के बाद में सो नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी चैट में कुछ गड़बड़ लिखा है, ठीक है। कुछ भी गलत लिखते हो तो वो फिर हाइड हो जाता है सर। 8 का राइट आंसर मंडोर, भीनमाल और जालौर में, ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि जनवरी 1950 में आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत का विलय है वो राजस्थान में कर दिया गया था। सिरोही की आबू देलवाड़ा तहसील किस प्रांत में मिलाई गई थी। जनवरी 1950 यानी हम छठे चरण की बात कर रहे हैं, राजस्थान का जो छठा चरण हुआ था उसमें सिरोही को मिला लिया गया था, लेकिन सिरोही की जो आबू दिलवाड़ा तहसील है उसको किस में मिलाया गया था। जी सर, बंबई में, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किस क्षेत्र पर सिसोदिया वंश का शासन था। सिसोदिया वंश शासन कहां कर रहा था, 4 ऑप्शन के आधार पर बताना है, नहीं तो काफी सारे एरिया हो जाते हैं इसके। किशनगढ़ में शासन था सिसोदिया राजवंश का, 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान का पहला जो राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार है वो सबसे पहले किस खिलाड़ी को दिया गया था। राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार ये सबसे पहले दिया गया था लिंबाराम जी को, और यहां पर कमेंट करके बता दीजिए कि लिंबाराम जी जो है वो किस खेल से संबंधित है। 2 का राइट आंसर। जी 26 जनवरी 1950, जी सही कह रहे हो सर, ये क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर कि प्राचीन काल में राजस्थान का कौन सा भाग है वो सूरसेन जनपद का भाग था। सूरसेन जनपद का भाग कौन सा हिस्सा है जो कि राजस्थान का है। क्वेश्चन नंबर 12 तीरंदाजी, जी सर बिल्कुल सही आ रहा है पलवन जी, जी सर ममता सतपाल जी, 12 का राइट आंसर। जी भरतपुर, धौलपुर और करौली का एरिया जो है ये सूरसेन जनपद का हिस्सा था, और यहां पर एक क्वेश्चन का और आंसर कमेंट करके बताना है। एक तो ये होगा सूरसेन जनपद, आपको बता रहे कौन कौन से जनपद थे जो राजस्थान से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया है, कौन कौन से जनपद है वो राजस्थान से संबंधित है, एक तो सूरसेन हो गया, दो और नाम बता दीजिए कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतिम पुनर्गठन के समय यानी 7वें चरण के समय कौन सा क्षेत्र है मध्य प्रदेश प्रांत में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। जी सिरोही क्षेत्र है ये मिला दिया गया था मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का एक सुनील टपा पहले ही बता चुके हो, मत्स्य, हाँ जी एक मत्स्य आ गया। एक और बता दीजिए मत्स्य के अलावा कौन सा जनपद था। श्याम जाटिया जी, जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि किस स्थिति को राज्य की 4 बड़ी देशी रियासतें संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई थी तथा नए गठित संघ का नाम वृहत राजस्थान रखा था। 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, कब हुई थी। सिंपल भाषा में कहें तो आपका कौन सा चरण जो बना था, 14 का राइट आंसर। और यह होता 30 मार्च 1949 को, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राचीन समय में सिरोही और उसके आसपास का जो एरिया था वो किस नाम से जाना जाता था। सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, 15 नंबर का राइट आंसर।
जी, आरबू क्षेत्र भी कहा जाता था और चंद्रावती भी कहा जाता था। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किसी एक राजवंश की राजधानी थी चंद्रावती, बता दीजिए किस राजवंश की राजधानी रही थी ये चंद्रावती। तो इसका राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर और 2, सिरोही के आसपास के क्षेत्र को आरबू दो चंद्रावती दोनों कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की पश्चिमी सीमा को नहीं छूता। इनमें से 3 जिले पाकिस्तान के हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं, एक नहीं छूते, कौन सा नहीं छूता बता दिए। कुलदीप जी, जी सर करेंगे आपके 16 का राइट आंसर जी, कराची नहीं है, बाकी उमरकोट भी है, रहीम खान भी है, भावलपुर भी है, तो 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमारों की राजधानी सबका यही यार जी सर, श्याम जाटी चौथा चरण जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, चौथा चरण हुआ था वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान में वर्तमान क्षेत्रों के प्रचलित नामों के साथ निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। आरबू क्षेत्र है सिरोही और आबू क्षेत्र को कहते हैं, मेवात क्षेत्र है ये अलवर और उसके आसपास को क्षेत्र को कहते हैं, गिरवा जो है ये बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग है, और मेवल जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को, तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है, गलत कौन सा है वो बता दीजिए। 17 का राइट आंसर, कोई से उदयपुर का को बता जी, बिल्कुल से गिरवा 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ये सही नहीं है, बाकी तो सारे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि शेखावाटी में कांतली नदी के प्रवाह का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। एक तो चीज ये नोट कीजिए, इसका एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में कि ऐसी कौन सी आंतरिक नदी है जो एक ही जिले में बहती है, तो कांतली नदी, ठीक है। हालांकि बरसात जब होती है, अच्छी वर्षा होती है, तो ये दूसरे जिले में भी चली जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन है अभी आया था कि एक ऐसी आंतरिक प्रवाह नदी जो एक जिले में बहती है कांतली नदी, उसका प्रवाह क्षेत्र यानी जो स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, इसको 18 का राइट आंसर, और तोरावाटी कहते हैं स्थानीय भाषा में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 कि राज्य के निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये राजस्थान है, ठीक है, और ये कर्क रेखा राजस्थान की यहां से गुजरती है, राइट। अब सूर्य यहां चमकेगा, अब जो कर्क रेखा के पास में जिले होंगे वहां पर तो सबसे कम तिरछी पड़ेगी, ठीक है, और जितना ज्यादा दूर जिला होगा तो वहां पर सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेगी, जैसे गंगानगर है तो सबसे ताजा। अब इन के आधार पर बता दीजिए आपको, मैप के आधार पर कौन सा है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है उसी की सबसे कम तिरछी पड़ेगी। 19 का राइट आंसर तो पाली है, राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि सांचौर क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सांचौर का उपनाम बता दीजिए, सांचौर को अन्य किस नाम से जानते हैं, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को, 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि राज्य का कौन सा दुर्ग है वो राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। 21 का राइट आंसर, हिंट के लिए बता दूं, गठबेडली का दुर्ग, अजमेरू का दुर्ग जी, तारागढ़ जो कि अजमेर में है। चलिए बिल्कुल लीजिए सा क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर भाई राजस्थान का राज्य खेल बताना है, 22 का राइट आंसर बास्केटबॉल, 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर सर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कि चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है, 23, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर देना है इसका आपको, अगर आपको नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इनको चिड़ावा का गांधी क्यों कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सेंस के बता दूं कि इन्होंने एक समिति का गठन किया था, आप उस समिति का नाम बता दीजिए, एक संस्था का नाम बता दीजिए जिसका गठन इन्होंने किया था, जिसके बाद इन्हें चिड़ावा का गांधी कहते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा किसी को पता है तो, 23 का राइट आंसर, बाकी का आंसर मैं इसका कर दूंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। चलिए 24 देखिए कि वागड़, मालवा और किराड़ू आदि क्षेत्रों में प्राचीन समय में निम्न में से कौन सा राजवंश है वो शासन करता था।
वागड़, मालवा और किराड़ू में 24 का राइट आंसर। यहां पर परमार शासकों का वंश था, शासन था, राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है वो 2010 वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था। विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किसको किया गया था? ममता जी, 25 का राइट आंसर ठीक। वेदशाला यानी जयपुर, इसको शामिल किया गया था 2010 में विश्व धरोहर में। राइट आंसर आपका 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कि 1949 में जब रीत राजस्थान बना था उस समय प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? 26 का राइट आंसर जी सर, हीरा लाल शास्त्री को। और अभी लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था गोकुल भाई भट्ट से रिलेटेड। नहीं नहीं सर, हाँ इसका आंसर तो 2 नंबर ही होगा आपका सर। नहीं सर, एक बता नहीं रहा, कुछ और बता रहा था, टेंशन मत लीजिए। चलिए चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 27 की स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें कितनी थी? ये तो बिल्कुल इजी सा है, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? सीमा सुरक्षा बल का नया कार्यालय, सतपाल जी। जी सर बोलिए, 28 का राइट आंसर जी, बीकानेर में किया गया है। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है, गलत है? पहला आपका ये है कि भीलवाड़ा और टोंक जिले के कुछ भागों को पहले खेराड़ और माल खिलाड़। तीसरा कथन है कि पाली, नागौर और झुंझुनू के लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को वागड़ के नाम से जानते हैं। और चौथा है कि गुजरथरा क्षेत्र है उदयपुर और गुजरात से लगे इलाकों को कहते हैं। तो कौन सा गलत है इसमें? जोधपुर को कहते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की राजस्थान की धातु नगरी के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? राजस्थान की धातु नगरी, और हम नागौर को कहते हैं राजस्थान की धातु नगरी। राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 की आदिवासियों का कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल जो है प्रसिद्ध है? आदिवासियों का कुंभ, जी बनेश्वर धाम जो है। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि जैसलमेर को किस उपनाम से प्रसिद्ध है, किस उपनाम से जाना जाता है जैसलमेर? 34 का राइट आंसर जी, स्वर्ण नगरी के नाम से। और क्वेश्चन नंबर 35 की धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? धौलपुर का प्राचीन नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर, कोठी के नाम से। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किस ऐतिहासिक समारोह को कहा जाता है? मिनी खजुराहो 36, हाड़ौती का खजुराहो कह दीजिए, भंड देवरा मंदिर जो है, शिव मंदिर। 3 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को किस नाम दिया, कौन सा नाम दिया था? राजस्थान को वाल्मीकि ने किस नाम से पुकारा था? क्वेश्चन नंबर 37 जी, मणिकांतर के नाम से, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान के क्षेत्र के लिए प्रारंभ में कौन सा नाम प्रयुक्त लिया गया था, या कौन से नाम का उल्लेख किया गया था जी? रायतान शब्द यूज किया था, राजाओं के रहने का स्थान। 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कि राजस्थान के इस प्रदेश के लिए राजस्थान्यादित्य का नाम जो है वो किस ग्रंथ में या फिर किस अभिलेख में देखने को मिलता है? राजस्थान के लिए राजस्थान्यादित्य शब्द है वो कहां पर यूज हुआ था, कहां पर उल्लेख मिला था इसका? 39, ये मिला था बसंतगढ़ शिलालेख में, और ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है सिरोही जिले से संबंधित है। राइट आंसर।
दो नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कि जॉर्ज थॉम्स के द्वारा 1800 ईस्वी में राजपूतानी राजस्थानी भूभाग है उसे क्या नाम दिया गया था, जिसे राजपूताना शब्द यूज किया था उन्होंने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। सबसे प्राचीनतम 41 का राइट आंसर राजरूपक में भी है, वीरबान के द्वारा लिखी गई थी, मोनो तिनेनसी रिख्यात है वो भी है, कोल्लेमाला भी है, यानी उपयोग सभी में देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटी जो राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस प्रदेश को किस नाम से पुकारा गया था। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है, लैंग्वेज चेंज करके दे दिया, रिपीट हो गया एक तरीके से क्वेश्चन। 42 का राइट आंसर, और उन्होंने राजस्थान राजस्थान जी सर। कि स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश राजपूताना का नाम राजस्थान कब रखा गया था। जी सर, राजपूताना के नाम से पहले जाना जाता था, राजस्थान नाम कब दिया जाता है। 43 का बता दीजिए, जैसे 26 जनवरी 1950 को। जी सर बिल्कुल सही है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, बिल्कुल जी साहब का, कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थे, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, अजमेर, मेरवाड़, 1 केंद्र। सर नहीं सर, इसको ये क्वेश्चन जी कैसे, अभी लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था ना उसमें ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन का कोई इजी नहीं होता सर, सारे सारे हार्ड लूंगा फिर इजी क्वेश्चन का क्या बनेगा, उन्हें साथ में लेना पड़ेगा ना सर। चलिए लास्ट टाइम बताऊंगा ये बात, राज की बात है। चलिए 45 नंबर देखिए कि राजस्थान गठन के विभिन्न चरणों एवं तत्व संबंधी तिथियों का निम्नलिखित में से कौन सा संगत है जो गलत है, यानी जो 7 चरण हुए थे उनमें से 4 चरणों के नाम है और चारों चरणों का गठन कब हुआ था ये बताना है, कौन सा गलत है इसमें। 45, प्रथम चरण 18 मार्च 1948, 17 मार्च भी देखने को मिलता है एग्जाम में तो ये भी सही है, द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 ये भी सही है, तीसरा चरण आपका गलत है, और चौथा चरण भी सही है, 30 मार्च 1949 को। 3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कि राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों और उनकी गठन की तो तिथियां उनका कौन सा जोड़ा गलत है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ चरणों के नाम थे, पहला चरण दूसरा चरण, अब की बात चरणों के पूरा नाम देखे, पहले वर्तमान राजस्थान जो है ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ बना था 25 मार्च 1948, संयुक्त वरीत राजस्थान 15 मई 1949 और वरीत राजस्थान 25 अप्रैल 1948, कौन सा गलत है इसमें। जी 4 नंबर जो है ये आपका गलत है, बाकी तो सारे सही हैं इसके। चलिए 47 कि किशनगढ़ रियासत है उसे राजस्थान में कब मिलाया गया था, किशनगढ़ रियासत को राजस्थान में कब मिलाया गया था। 47, 25 मार्च 1948। जी सर बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 48 की बीकानेर रियासत का विलय राजस्थान में कब हुआ था, उसे 30 मार्च 1949 को मिलाया गया था, संयुक्त राजस्थान से विरीत राजस्थान। जी सर। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान गठन के दूसरे चरण में शामिल होने वाली देसी रियासत कौन सी थी, दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल हुई थी, इनमें से कोटा शामिल हुई थी। राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि सिरोही रियासत का अधिकांश भाग है और राजस्थान के 6वें चरण में शामिल किया गया था और राजस्थान में शामिल करने की स्वीकृति कब मिली थी सिरोही को। 50 का राइट आंसर, सिंपल भाषा में कहें तो 6वें चरण का बताना है कि 6ठा चरण कब हुआ था, क्योंकि सिरोही को 6वें चरण में मिलाया गया था, तो जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब बात कर रहे थे, कमेंट आया था कि सर इजी क्वेश्चन ज्यादा लिए, देखिए सर इजी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जो आपका एग्जाम आता है उसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो सारे सारे अगर मैं हार्ड लूंगा तो कैसे बनेगा, और वैसे भी 400 से ज्यादा टेस्ट जो है
वो लाइव टेस्ट है, मैं राजस्थान जीके के कर चुका हूँ और राजस्थान जीके का सारे क्वेश्चंस मैं ले चुका हूँ। तभी तो मैं कंफ्यूज होता था कि कौन कौन से क्वेश्चन लूँ मैं, कौन से बच गए। ओके सर, इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से ले सकते हो या फिर फेसबुक पेज से ले सकते हो, दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। और राजस्थान जीके का 9:30 पर हमेशा टेस्ट होता है, लास्ट पूरे 1 साल से हो रहा है, 400 से ज्यादा टेस्ट मैं करवा चुका हूँ। चाहे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, आ जाया करो। अमर सेवा जी, अभी किसी का मैंने कमेंट देखा था, एक अमर सेवा का बताया था किसी ने कि मास्टर प्यारे लाल ने कौन सी समिति का गठन किया था, मैं नाम देख नहीं पाया था लेकिन उनका सही था वो। सतपाल जी, अमर सेवा समिति जी, बिल्कुल सही, अमर सेवा समिति का गठन किया था उन्होंने, मास्टर प्यारे लाल ने। ओके सर, तो कल मिलते हैं 9:30 सुबह, करंट अफेयर करेंगे। और 8 बजे रीट का लेना है तो रीट का टेस्ट भी आप ले सकते हैं सर लाइव, और पीडीएफ ले लेना सारी, और लाइक शेयर करना मत भूलना प्लीज। थैंक यू। श्याम जाटिया जी सर, ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू।